भाभी जी पाय लागू। भाभी कहते हैं कि अच्छे व्यवहार की कोई आर्थिक कीमत नहीं होती है, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की क्षमता रखता है। जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अब मुझे देख लीजिए, मैं अच्छे व्यवहार के कारण न जाने कितनी भाभियों के दिलों पर राज करता हूँ। भाभियाँ मुझसे प्यार करती हैं, पता है क्यों? क्योंकि मैं जब भी आता हूँ उन्हें हंसाता हूँ, गुदगुदाता हूँ और स्पेशल खबरें सुनाता हूँ। क्यों भाभी, मानती हैं कि नहीं? तो आइए ना भाभी जी, एंटरटेनमेंट की शुरुआत करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। बीजी की पार्टी में प्रेगनेंसी का ड्रामा, धर्मराक्षस से हुआ ऋषभ का सामना, रॉकी का लॉकेट बना शिवांगी के लिए जंजाल, जमाई ने किया अलीना का बुरा हाल। कहानी कैसी है यार, देखो रिव्यू और जीतो वाउचर हर बार। सीरियल कसम के अंदर बीजी का बर्थडे मनाने में हर कोई बीजी है। आपको एक बात बताता हूँ, हमारी गली में भी एक बीजी रहती है, इत्तेफाक से कल उनका भी बर्थडे था। और मजाक की बात यह है कि जितने लोग उनके बर्थडे पार्टी में आए थे उससे कई ज्यादा कौए घर के बाहर बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे, मना लेने दे इन इंसानों को, पार्टी मना लेने दे, जिस उम्र में बीजी है ना अगले साल हमारी पार्टी होगी। है कहाँ कोई तुझे सा नजारा यहाँ, माहिया मेरे माही जानी आग जानिए, माहिया मेरे माही जानी आग जानी, कितना सोना तू सोना सोना। चाहे कुछ भी हो जाए, ऋषि तनुजा कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। कितनी साजिशें हो, कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन ऋषि तनुजा का प्यार हमेशा बना रहेगा। और आज ऐसा ही प्यार देखने को मिला बीजी के बर्थडे पर। जहां औरों की नजरें टिकी थी इन दोनों की नजदीकियों पर, हमेशा इतना रोमांटिक डांस ही है और नहीं ऐसा नहीं है। आपने बहुत बार अग्रेसिव डांस भी किए पिछले दो बार से, जो है आफ्टर नहीं, आजकल मेरे साथ कुछ हो ही रहा है ऐसा, पता नहीं किस चीज का इफेक्ट है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मौका था घर की सबसे बड़ी बीजी के बर्थडे का, जिसके लिए बेदी हाउस में रखा गया सबसे बड़ा जश्न। जश्न तो शानदार था ही, और इस जश्न में जान तब आ गई जब खुद बीजी ने अपने तीनों पोतों के साथ ताल से ताल मिलाई। जी हाँ, इस उम्र में ऐसा डांस देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। हमारी बीजी ऐसा ही कुछ नज्जो दिखाए। हमारे शो का नाम है कसम चित्रहार की, बहुत बहुत गाने आ गए हैं। नाच की, नाच गाने सब कुछ होता है। आई थिंक शो इज मोर ऑफ अ इट्स लाइक अ मेडली है। आई थिंक वी एंजॉय, मजा आता है। घर वाले कैसा भी कर ले डांस, लेकिन जब तक हीरो हीरोइन का रोमांस ना दिखे चैन नहीं पड़ता।
इसीलिए ऋषि को तनुजा के साथ लाकर खड़ा कर दिया गया। रोमांस के बाद तनुजा को एक झटका लगना अभी बाकी है। क्या नया ड्रामा होगा पार्टी में, वो हम आपको बताएंगे आगे। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। आजकल के बच्चों से बहस करना बिल्कुल बेकार है। हाँ। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बताओ बेटा अगर एक औरत 50 रोटी बनाती है तो 3 औरत कितनी रोटियां बनाएंगी? 3 औरत, 1 औरत 50, तो 3 औरत, 3 औरत, एक भी नहीं। बदतमीज, यही पढ़ते हो क्या? और नहीं तो क्या है? आपको क्या लग रहा है कि 3 औरतें अगर मिल जाए तो वो अपना टाइम रोटी बनाने में गुजारेंगी? बेशक आप मुझे फेल कर दो, पर मेरा आंसर करेक्ट है। बेदी हाउस की पार्टी पूरे जोरों पर है। इस डांस के बीच आप एक चीज तो नोटिस करना भूल ही गए, पार्टी की थीम को। इस शानदार और जानदार पार्टी की थीम है ब्लैक एंड व्हाइट। क्यों ना सबसे पहले नजर डाले तनुजा की ड्रेस पर। ये ना तो प्रोडक्शन हाउस की है और ना ही भाड़े पर आई है, ये तो है तनुजा का अपना कलेक्शन। एक्चुअली इस बार हमारी जो स्टाइलिस्ट है वो आई थिंक थोड़ा बहुत ज़्यादा काम करने लगी है, तो वो मेरे लिए कुछ कपड़े बना नहीं पाई, तो मुझे जूते से लेकर कॉस्ट्यूम से इयररिंग से लेकर सब कुछ मैं अपना ही लेकर आई हूँ और आज मैंने अपना ही पहना है। वाओ यार, नाइस। थैंक्स। दो ब्लिंगी शूज आर योर्स? यस, दे आर वेरी कंफर्टेबल। अच्छा एक लास्ट सवाल। वेरी वेरी नाइस शूज यार। एक मिनट जरा फेस दिखाना। अच्छा दिख रहा है, शीशे भी लगे हुए हैं। हाँ जी, मैं हमेशा तारीफ ही करता हूँ, पीछे भी करता हूँ तारीफ, सामने भी तारीफ करता हूँ, मतलब पीठ के पीछे। This man is so cheap. No, I'm very precise about, especially when in front of you. So, नहीं, I think अच्छी लग रही है, I think in terms of the styling, जो खुद इन्होंने मेहनत की है, ज़्यादा नहीं, I think कुछ 3 घंटे लगाए इन्होंने। वहीं ऋषि भी है तैयार तनुजा को कंपटीशन देने के लिए, लेकिन तनुजा का कुछ और ही है कहना ऋषि को लेकर। मैंने तो आते ही बोल दिया कि बहुत क्यूट लग रहे हैं। वो क्यूट का वर्ड मैं बताऊं क्या था? मैं बताती हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं तरीका बताता हूं। ही लुकिंग वेरी क्यूट टुडे। अब आदमी बहुत खुश होता है। थैंक यू थैंक यू, जस्ट लाइक जेरी मैन, टॉम एंड जेरी। अब मेरा व्यू चला। थैंक यू सो मच सर। मैं कहा थैंक यू, मैं कहा वहाँ सर शूट करते हैं ये। I find that character very cute and it's a compliment. Thanks sir. Because I really like the bow that he's wearing. तनुजा और ऋषि के चक्कर में मलाइका पर ध्यान देना तो भूल ही गए। मलाइका ने अपने वेस्टर्न ड्रेस पर थोड़ा सा टिंच दिया है इंडियन का और बन गई है इस पार्टी की सबसे स्टाइलिश लड़की। जो मेरा रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम 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 मेरा रोम रोम रोमांटिक है। तो जैसे ही मैंने ये आउटफिट देखा और मैंने ऐसा रेफरेंस पहले देखा हुआ था तो मेरे दिमाग में कुछ तरंगी से आइडिया आने लगे, इस वजह से मैंने बाल भी आज थोड़े डिफरेंट किए हैं एंड आई वोर दिस चोकर एंड कान मैंने खाली रखे हैं बिकॉज इट्स इंडो वेस्टर्न आउटफिट एंड मेकअप इज ऑल्सो अकॉर्डिंगली। ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग है और थैंकफुली अच्छे से स्टिच भी किया है, जैसा दिमाग में सोचा था वैसा लुक बन के भी आया है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ द लेटेस्ट धोती स्कर्ट
दैट वी कैन कॉल इट एंड प्लीट्स के साथ दी गई है, साइड प्लीट्स हैं इसमें और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्रिटी है, वाइट एंड गोल्ड। एंड फिलहाल तो पार्टी में होने वाला है एक जबरदस्त ड्रामा जो रचा है मलाइका और रानो ने। तनुजा पर लगेगा इल्जाम और सामने आएगी तनुजा की प्रेग्नेंट होने की खबर। बेसिकली तनुजा की प्रेगनेंसी के बारे में मुझे और रानू आंटी को पता चल गया है और अब हम सोच रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं कि कब ऋषि को बताएं और उसका भांडा फूटे, लेकिन उसमें भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा अभी। अब देखना ये है कि इस खबर का ऋषि पर क्या होता है असर। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाभी साइंस कहता है कि कोई भी औरत अपने पेट में राज 47 घंटा और 15 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं रख सकती। इस मामले में ना मैंने औरतों को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, अगर मेरे पास कोई स्पेशल खबर आती है ना तो मैं 15 सेकंड से ज्यादा अपने पेट में पचाकर नहीं रख सकता। और पिछले 15 सेकंड से मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब कोई स्पेशल खबर आई है। आओ दिखाता हूँ। भाभी एक बात तो फैक्ट है कि पति पत्नी का रिलेशन ऐसा होता है कि बेचारा पति कहना कुछ चाहता है और पत्नी समझ कुछ और जाती है। हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, कल आकर अपनी पत्नी से बोले, सुनो आज से तुम एक मैनेजर के साथ रहने वाली हो। पत्नी ने बोला, ओए होए होए होए, अच्छा वो दिखने में कैसा है? मैं मैनेजर बन गया हूँ। बड़ी सॉलिड मस्ती छाई, हेलो हेलो तू मुझ है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई, धक 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 ये दिल छन छन बोले, अंदर सारी चूड़िया, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला पूड़िया। आज है शिवाय और अनिका का ग्रैंड रिसेप्शन, सच गया है पूरा ओबरॉय मेंशन,
घर का एक एक सदस्य हुआ है काफी तैयार। आफ्टर ऑल घर के बड़े बेटे बहू का जो है फंक्शन, सभी कर रहे हैं न्यूली वेड कपल का बेसब्री से वेट। तभी लेते हैं हमारे शिवाय एंट्री, और क्योंकि ये है ओबेरॉयज की पार्टी तो मीडिया का होना तो है लाजमी। शिवाय सीढ़ियों से उतर ही रहे होते हैं कि पूरी मीडिया उन्हें लेती है घेर और करती है उनकी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराने की जिद। अनिका होती है पहले से ही हॉल में मौजूद, लेकिन शिवाय देते हैं टिया को आवाज और करवाते हैं अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस। ये सब देखकर अनिका की आंखों से आंसू नहीं लेते थमने का नाम, और उनका पार्टी में नहीं लगता है मन। अनिका पार्टी छोड़कर जा ही रही होती है कि दादी पकड़ लेती है अनिका का हाथ और सीधे ले जाती है टिया के पास, और दादी पढ़ाती है टिया को सही गलत का पाठ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तू है, उसने कहा तुमने मार लिया, एक बार भी नहीं सोचा कि तू किसी और का हक मार रही है। अनिका अभी भी शिवाय की पत्नी है। टिया को तो सुना दिया दादी जी, लेकिन शिवाय का क्या करें जब वही मानने को नहीं है तैयार कि अनिका उनकी पत्नी है। यार वो मुझे एज वाइफ नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहे, तो इससे ज्यादा और क्या ट्विस्ट हो सकता है। यस, बाकी आगे क्या होगा। नया क्राइसिस घर में आ गया है, खड़ा हो गया है। दादी समझ रही थी उसने रिजॉल्व कर दिया है, और उसके सामने एक नई चुनौती आ गई है, तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पल भर में तेरे हो जाएंगे इशारा तो करो, तेरे बिन कहाँ और किधर जाएंगे, जरा समझा तो करो। बेचारी अनिका, एक तो शिवाय नहीं दे रहे हैं बीवी का दर्जा, और ऊपर से घर वालों ने सजा दिया है शिवाय और अनिका के लिए ये खूबसूरत सा कमरा। करे तो करे क्या, तभी दादी आती है और दोनों को समझाती है कि अब दोनों को है साथ रहना, तो बंद कर दे ये लड़ना झगड़ना। अरे कोई मेरे को वो दर्जा देगा तो मैं फील करूंगी ना अच्छा, पर दादी मेरे सपोर्ट में है तो। दादी ने दर्जा दे दिया तो ये ओबेरॉय बहू अनिका है। चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं शिवाय और अनिका अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत, क्योंकि अब तो दादी ने भी दे दिया है अनिका को बहू का दर्जा। अब शिवाय को माननी ही पड़ेगी दादी माँ की बात। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। तो भाभी जी, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि देश भर की भाभियों का मैं इसलिए देवर प्यारा हूँ, देश भर की भाभियों का मैं इसलिए देवर प्यारा हूँ क्योंकि आवारा हूँ, गर्दिश में आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। सिटी किसने मारा है? कोई भी सिटी मारता है। खैर भाभी, दो मिनट का ब्रेक है। भाभी, सीरियल नागिन में हम सब जानते हैं कि शिवांगी के बॉयफ्रेंड हैं रॉकी। जी हाँ, लेकिन आपको पता है पिछले जन्म में ना शिवांगी उस जन्म में भी नागिन थी, और इनका बॉयफ्रेंड कोई नहीं था, लेकिन हाँ इनको ना एक नाग ने आगे प्रपोज किया था। मैं बताता हूँ, नाग आया शिवांगी के बोला, सुनो मेरा दिल तुम्हारे प्यार में अंधा है। इन्होंने जवाब दिया कि लाइन मत मार, मेरा बॉयफ्रेंड एनाकोंडा है। शिवांगी
रॉकी के कदम ना चाहते हुए भी चल पड़े हैं रॉकी की ओर। वहीं रॉकी भी अपने प्यार से खींच रहा है शिवांगी को अपनी ओर। रॉकी के बिना शिवांगी की दुनिया अधूरी है, तभी तो प्यार के आगे मिट रही सारी नफरतों की दूरी है। रॉकी की चाहत ने शिवांगी के इरादों को ऐसे किया नाकाम कि खुद शिवांगी भुला बैठी है अपना इंतकाम। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब सवरने लगे तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे। वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। मौका है मानव की एनिवर्सरी पार्टी का, जिसके लिए पूरे घर में सेलिब्रेशन रखा गया। लेकिन पार्टी में प्यार के पलों के बीच इस खूबसूरत जोड़ी के प्यार के रास्ते में रोड़ा बन गया है ये ताबीज, जिसने इनकी मोहब्बतों में खींच दी है दूरी की लकीर। क्योंकि ये वो ताबीज है जिसे कोई भी नागिन नहीं छू सकती, इसीलिए तो रॉकी के लॉकेट गिरने पर सरौते से उठाकर दे रही है उन्हें शिवांगी, और इसी चक्कर में लग जाती है उन्हें चोट। पर उस चोट पर मरहम लगाकर रॉकी ने एक बार फिर बांध ली टूटे प्यार की डोर। नागिन इज़ अ पार्टी, बीच में सीन्स होते हैं। नो, मैं दिन भर करती हूँ, तो मैं ऐसे आई कांट अग्री टू इट। इसके लिए पार्टी होती है, ये कम टाइम के लिए आता है और चला जाता है। नागिन इज़ अ पार्टी, ये लेट आता है जल्दी चला जाता है। I get to spend time with such fun people. फिर मैं जाता हूँ कनाडा, मैं स्पेंड करता हूँ टाइम, वापस आता हूँ। I get time to spend time again with such amazing people. शूट तो होते ही नहीं है। पर इनके प्यार की बढ़ती हुई पींगों से गुम हो गई है रुचिका की नींदें, तभी तो उनके माथे पर आ गई हैं चिंता की लकीरें। कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, बेचेहरा फिर भी कितना गहरा, ये लम्हे लम्हे ये रेशम से हो जाए हो ना जाए हमसे। लेकिन ये चोट जो आज शिवांगी को लगी है, वो जल्द यामिनी के दिल पर लगने वाली है, क्योंकि इस पार्टी में उनके नए दुश्मन की एंट्री जो हुई है। सीजन वन में ये उसका ट्विन भाई, ट्विन ब्रदर है, सगा भाई है, जो कि एंकी से 37 सेकंड बड़ा था, तो ये अब्रॉड में शिफ्ट हो गया था। हरियाणा पंजाब का बैकग्राउंड है इसका। अब ये वापस आया है नागमनी में अपना हिस्सा लेने के लिए, और मेनली यामिनी की बैंड बजाने की। शिवांगी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज शिवांगी की माँ से इसका लेना देना था। शिवांगी तो इसको जानती भी नहीं, और ना ये शिवांगी को जानता है, ये मेन जानता है यामिनी को। तो यामिनी ने एंकी की बहुत बैंड बजाई थी सीजन वन में, अब उल्टा होने वाला, अब ये जो है यामिनी की बैंड बजाने वाला। आई एम सो हैप्पी मनीष इज बैक, ही इज लाइक माय फेवरेट, सो आई एम सुपर डुपर 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 हैप्पी। यामिनी को तो वैसे भी अब अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, क्योंकि इस पार्टी के पीछे कुछ तो ट्विस्ट होगा। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। अरे मैं क्या बताऊं भाभी, जिंदगी में लड़कियों की ऐसी अकाल पड़ी हुई है कि मेरे घर पर बाल सवारने के लिए कंघा है, कंघी भी नहीं है। शकीरा, 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 सुनहरी नागिने बन गई है लाल परी। अपनी अदाओं से शिवांगी और रुचिका कर रही हैं हजारों का दिल खड़ी खड़ी। देखिए सीरियल में साजिशों का जाल बिछाने वाली ये काली नागिन कैसे आज अपनी लाल अदा का विष फैला रही है। आई लाइक दिस कलर एंड ऑल्सो ये थीम है गर्ल्स इन रेड एंड बॉयज इन ग्रे। सो ये मानव और निधि की वेडिंग एनिवर्सरी है, एंड इसलिए आज मैं इस आउटफिट में हूँ। वहीं दूसरी तरफ अपनी शिवांगी यानी मौनी रॉय भी अपने नए लुक के ब्लाउज और बालों के डिफरेंट अंदाज से कहर ढा रही हैं।
आजकल मैं बैक टू बैक सीन्स कर रही होती हूँ, जो भी ये लोग रख देते हैं वैन में मैं पहन लेती हूँ. तो अनु ने ये चूज़ किया है सब कुछ. या आई आस्क फॉर द ब्लाउज समथिंग डिफरेंट देन व्हाट आई वेयर एवरी डे. हु डू योर हेड डू? हु डू योर हेड डू? उक्साना डज माय हेड डू. उक्साना दीदी. सो हाउ वाज नथिंग थॉट आउट, नथिंग चार्टेड आउट. वी जस्ट थॉट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट फॉर द पार्टी बिकॉज़ आई वांट टू कॉपी बेसिकली. ऐसे लगा कि मेरा इतना बड़ा पफ है तो मेरे भी दो पफ होने चाहिए. राइट केवी, राइट. आई विल ओनली कॉपी यू एंड फॉर हेयर स्टाइल. दैट वाज अ गुड वन. ऑफ कोर्स. इट वाज अ नाइस वन. इट वाज अ गुड शो. आई डोंट फील लाइक आई एम नॉट गोना लाफ. इट वाज अ गुड शो. आई डोंट फील लाइक लाफ. पार्टी थीम में रुचिका शिवांगी दोनों ही अपनी दिलकश लुक का जाल लाल रंग में बिछाएंगी. लेकिन हमारी नजर जिस पर गई है वो तो है हमारी अदा का ये हैंडकफ, जो इस ड्रेस की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है और साथ ही उनका ये हेयर स्टाइल इनके हॉट लुक को और भी निखार रहा है. हैंड गियर है जो मेरा आज, इट्स माय ओन, इट्स माय पर्सनल. एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कब पहनूं, किस पे पहनूं. तो आज जब ये पार्टी लुक आया सो आई सेड कि ड्रेस इज एलिगेंट, सो कुछ एक ही चीज़ हैवी होनी चाहिए ज्वेलरी में. सो आई थॉट व्हाई नॉट दिस. एक घंटा लगता है बस उसमें ही हमें करना पड़ता है सब कुछ. सो कुछ नहीं, आई जस्ट एडेड वन प्लेट हियर. थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल है बट आई लाइक इट एंड इट सूट्स मी. सो मुझे पुराने जमाने वाले हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छे लगते हैं. आप दोनों का देसी विदेशी लुक हम सभी को काफी फब गया. तभी तो अदा की अदाओं पर और मौनी के मन मोहने वाले लुक पर हमारा दिल लटक गया. पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया. ये रिपोर्टर खबर भेजने में बहुत टाइम लगाते हैं. एक मिनट, आइए, खबर है, खबर है. हाँ बताओ. ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस और ऋषभ की लड़ाई हो रही है, खतरनाक जंग. क्या बात कर रहा है? हाँ तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अच्छा ये खबर भाभी को देनी है. अरे तो डरा क्यों रहा है यार. ब्रह्म राक्षस के अंदर बोल रहा है कि ऋषभ और ब्रह्म राक्षस की खतरनाक जंग हो रही है. अब ऑब्वियसली वो ब्रह्म राक्षस है, कोई देवर थोड़ी है जो हंसा हंसा के मारेगा. वो तो अपने तरीके से मारेगा ना. आइए दिखाता हूँ. खतरे में है ऋषभ की जान. क्या ब्रह्म राक्षस की भेंट चढ़ जाएगा ऋषभ, या फिर आज होगा ब्रह्म राक्षस का खात्मा? क्या राक्षस मांगेगा किसी और की बलि? आखिर कैसे खत्म होगा ये आतंक? ब्रह्म राक्षस को काबू में करने के लिए शिवम ने उठाया है बीड़ा और देने चला है अपनी ही जान. मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ. कुछ ब्रह्म राक्षस को मिस कर रहे थे हम लोग, तो हमने वैसे ही बुलाते हैं, हवन करते हैं, आ जाते हैं भाई, मिलके पिकनिक मनाते हैं हम सारे. हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, तो सब मिलके हवन करने वाले हैं हम तो. जी हाँ, ब्रह्म राक्षस को इस राक्षस गुफा में बुलाने के लिए रखी गई है एक पूजा. राक्षस को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है बलि. इसलिए शिवम ने लगा दी है अपनी ही जान दांव पर. वो तो भला हो ऋषभ का कि वो वक्त पर आ गया और उसने रोक दी पूजा. लेकिन शिवम नहीं चाहता कि ऋषभ की जान पड़े खतरे में. पर इससे पहले कि दोनों के बीच सुलह हो पाती, ब्रह्म राक्षस ने बोल दिया हमला. ब्रह्म राक्षस के आतंक से सबको छुटकारा दिलाने के लिए शिवम ने किया खुद को राक्षस के हवाले. ये मुझे मुक्ति दिलाना चाहता है. हाँ। और इसके लिए मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ. तो ये अपना बलिदान देने की कोशिश कर रहा है और ताकि ये गांव और फिर मारेगा, खून निकलेगा, बहुत शौक है पिटने का. लेकिन बीच में आ जाती है शिवम की माँ और फिर शुरू होता है घमासान. कभी शिवम के साथ होती हाथापाई तो कभी ऋषभ करता बीच बचाओ. लेकिन इस बीच ऋषभ हो जाता है बुरी तरह से घायल. रोज टूटती है हमारी कोई ना कोई हड्डी, ऐसा ही हमारा सीन होता रहता है. बहुत मजा आता है एक्चुअली, इट्स फन. क्या बोलता है? बहुत फन. वेलकम, कहीं ना कहीं लगी रहती है. वेलकम टू ब्राजील.
वेलकम टू ब्रह्म राक्षस। मुझे ज्यादा मजा आता है, मुझे तो सिर्फ उठा के फेंकना पड़ता है। कुछ नहीं कर रहे, फूंक मार देता हूँ। चलिए देखते हैं राक्षस को शांत करने का ये तरीका कितना कारगर साबित होता है। संजीव चौधरी के साथ शिल्प श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अंदर अक्षरा जी की डेथ हो गई है और सारा इल्जाम आ गया है कार्तिक पर। लोग कह रहे हैं कि तुमने अक्षरा का खून किया है। बताओ भाभी, उनकी शक्ल देखो, लगता है आपको कि वो अक्षरा का खून कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। अरे खून तो बहुत दूर की बात है, ये तो नाखून भी दांत से काटते ताकि खून ना निकल जाए। मैं नहीं मानता, नहीं नहीं मैं नहीं मानता। कार्तिक जी, मैं आपके साथ। ये सब ये समझते ना कि एक्सीडेंट मैंने किया, तो अब ये ही मेरा सलाखों के पीछे कार्तिक। और आप भी इसी को सच मान लीजिए, कार्तिक ने किया जुर्म कबूल। अक्षरा की मौत का माना खुद को गुनहगार। पूरा हक है मुझ पे इल्जाम। सिंघानिया परिवार में बसती है जान। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो। जी हाँ, कार्तिक से नहीं सही जा रही है नायरा की बेरुखी, जिसकी वजह से उसने खुद को ये सजा दे डाली। तभी तो परिवार वालों की भी नहीं सुनी बात, उन्हें भी दे डाला जवाब। हम लोग लगे हुए हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि उसने ऐसा नहीं किया है। मे बी वो सिचुएशन ऐसी थी, तो कहीं ना कहीं से कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे क्लियर होगा ये कि कार्तिक ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओनली फॉर नायरा, उन्हें जेल जाने में कोई वो नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जेल जाने में। लेकिन उनके चाचा जान जो है वो उनसे कहते हैं कि अगर आप जेल चले गए तो आप नायरा को कभी ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आप सही हो। तो ओनली बिकॉज ऑफ दैट वो बेल पेपर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ कार्तिक को मिल गई बेल, वहाँ सिंघानिया परिवार में सभी हो गए हैं इमोशनल अक्षरा के गिफ्ट्स देख, जिसके साथ मिला उन्हें खास लेटर, जिसको देखने के बाद आई सभी को अक्षरा की याद और छा गई मायूसी फिर एक बार। सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ है, सब इतने उदास हैं, तो उसमें सबके लिए लिखा है कि बुरे वक्त में आपको हिम्मत रखनी है, उदास नहीं होना है। और वो गिफ्ट नायरा देती है, वो नायरा देती है सब। अक्षरा का गिफ्ट बन गया, अक्षरा का गिफ्ट है वो, ये सिर्फ नायरा जानती है और किसी को नहीं पता। अपनी परिवार की खुशी के लिए नायरा कुछ भी कर सकती है। अच्छा तो ये गिफ्ट आपने भिजवाए थे नायरा, लेकिन आपकी मेहनत गई बेकार क्योंकि नहीं आ पाई घर वालों के चेहरे पर मुस्कान। वैसे एक बार फिर घर पर रखा गया अक्षरा के लिए शांति हवन, जिसमें शामिल हुआ पूरा परिवार, जहां नायरा और नैतिक बैठे थे पूजा में एक साथ। थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रहा है कि अब अक्षरा यहाँ नहीं है और उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अगर वो सबको सहारा देना चाहता है। तो ये उसकी एक्सेप्टेंस का एक पहला स्टेप है, जहाँ उसने एक पूजा रखी है ताकि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। चलिए नैतिक जी, कम से कम आप में जीने की उम्मीद तो जगी, यादों में तो है ही अक्षरा जी आपके साथ। फिलहाल अब देखना ये है कि क्या कार्तिक कर पाएंगे अपनी बेगुनाही साबित, या फिर टूट जाएगी नायरा कार्तिक के रिश्ते की डोर। पारस संजीव के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। क्या है ना भाभी, मेरे हिसाब से चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। नोटबंदी का माहौल है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग गुस्से में हैं। लेकिन जरा सोचिए कि 2050 में आपके पोते पोतियां क्या कहेंगे। वो कहेंगे, पता है हमारे जो दादाजी थे ना, काले धन की लड़ाई में 6 दिन तक लाइन में खड़े रहे,
खुद काले पड़ गए लेकिन नोट गुलाबी कर गई लौटे। दोस्ती के पीछे छिपा घिनौना चेहरा, एलिना को है गलतफहमी कि सत्या एलिना पर है मरता। सत्या ने खोली एलिना की पोल माही के सामने, माही एलिना का सच जानकर लगी चिल्लाने। और अच्छा तो गॉड से कि तुमने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया। माही को आता है एलिना पर बहुत गुस्सा, इसीलिए माही उठा देती है एलिना पर हाथ। ये देखकर एलिना भी उगल देती है सारा सच और करती है इकरार कि उसे है सत्या से प्यार। सत्या ये सुन एलिना को दिखाता है बाहर का रास्ता, क्योंकि अब सत्या को नहीं चाहिए घर में कोई भी तमाशा। एलिना की पोल खुल चुकी है और खुल रही है और the drama is at its peak, so आगे जो है कहानी वो क्या मोड़ लेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुई है अभी प्रॉब्लम। एक गई घर के बाहर तो दूसरी आती है घर के अंदर, और वो दूसरी प्रॉब्लम कोई और नहीं बल्कि है पायल। पायल को देख माही का पारा हो जाता है हाई, लेकिन सत्या संभालता है सारी बात और पायल को घर में रहने की देता है इजाजत। हाँ, क्योंकि एटलीस्ट सत्या के पर्सपेक्टिव से पायल ने कुछ अच्छा किया है सत्या और माही के लिए, और हर वो इंसान जो कुछ अच्छा करता है उसको एक मौका मिलना चाहिए वापस rather than being judged. So, ऐसा मेरे ख्याल सिद्धार्थ का भी मानना होता, और क्योंकि वो उसी का खून है इसलिए सत्या का भी। माही का गुस्सा होना पूरी तरह से है जायज, क्योंकि पायल की हरकतों से तो हम सभी हैं वाकिफ, लेकिन फिर भी सत्या ने समझा बुझा कर माही को कर दिया है फिलहाल के लिए शांत। माही का बहुत बैगेज है, बहुत इमोशनल बैगेज, एक इक्वेशन रिलेशनशिप रिलेटेड बैगेज है, तो ऑब्वियसली उसका इस चीज को गट डाउन करवाना बहुत मुश्किल होगा। चलिए, अब पायल के आने से ये तो तय है कि घर में आएंगे और कई सारे मोड़, पर इसका क्या असर होगा सत्य और माही के रिश्ते पर, इस बात का भी निकालेगा सत्या कोई ना कोई तोड़। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। जिहाले मस्ती मकुन बरंजिश बेहाल हिजरा, बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सही बताऊं भाभी, आजकल की जो फिल्में हैं ना वो इस गाने की तरह हो गई हैं, आधी समझ में आती है और आधी नहीं आती है। खैर, जब बात फिल्मों की हो रही है तो आइए जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर आज कौन सी फिल्म रिलीज हुई है और पिक्चर कैसी है। ये क्या? ये दुर्गा रानी सिंह एक किडनैपिंग और मर्डर केस के लिए वांटेड है। क्या? कहानी 2 की कहानी भी पिछली कहानी की तरह ही एक सस्पेंस थ्रिलर है, मगर अफसोस इसे दर्शक बड़ी आसानी से समझ जाएगा कि सस्पेंस का अंत कैसे होने वाला है, और यही कहानी 2 की सबसे बड़ी कमजोरी है। कहानी 2 की कहानी दुर्गा रानी सिंह और एक छोटी बच्ची मिनी की कहानी है जिसका शोषण हो रहा है। एक 6 साल की बच्ची को उसके चाचा की गंदी हरकतों से बचाने के लिए दुर्गा ना सिर्फ मिनी की दादी की बल्कि पुलिस की मदद लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन वही बेचारी उल्टी दुर्गा मिनी की दादी के कत्ल के इल्जाम में फंस जाती है। उसकी कहानी सच्ची लगती है। कोई अपनी डायरी में झूठ क्यों लिखेगा? कौन तुम्हारा? ऐसे में दुर्गा अपनी पहचान बदलकर मिनी के साथ एक दूसरे शहर में रहने चली जाती है, तो वहीं मिनी को लकवा मार चुका है और विद्या मिनी के इलाज की कोशिशों में लगी है। इधर पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में अर्जुन रामपाल हैं, जो फिल्म को एक सुखद अंत की ओर ले जाते हैं। क्योंकि कहानी 2 को हमेशा पहली कहानी से ही तोला जाएगा, तो जाहिर है फिल्म में ढेर सारी खामियां भी निकलेंगी। भाई, अब अगर डायरेक्टर सुजॉय भविष्य में तीसरी कहानी बनाते हैं तो ये बात उनके लिए आत्महत्या करने के बराबर ही होगी। वैसे ये फिल्म इंटरवल तक काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटरवल के बाद अपनी पकड़ खो देती है।
हमने BTTT फिल्म रिव्यू फॉर्मूले के हिसाब से फिल्म की तमाम अच्छाइयों और कमियों को जोड़ा, घटाया और पाया है कि कहानी 2 को मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स, यानी फिल्म एक बार देखी जा सकती है। और अब बारी है उस सवाल की जो आपको जिताएगा ₹2000 के PVR के गिफ्ट कार्ड्स। हमारा आज का सवाल है कि फिल्म कहानी के डायरेक्टर का नाम क्या है, ए सुजोय घोष, बी विद्या बालन या फिर सी अर्जुन रामपाल। जवाब भेजने के लिए टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब ए बी या सी में लिखें और SMS कर दें 51818 पर। दो भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा ₹1000 के PVR गिफ्ट कार्ड्स। नतीजे बताएंगे हम अगले शुक्रवार। इस गिफ्ट कार्ड से आप फिल्म देखिए, पॉपकॉर्न खाइए या फिर अपने किसी फ्रेंड को दे दीजिए। भाई मौज करिए, मस्त रहिए और वीकेंड एंजॉय करिए। तो भाभी जी वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, तो एक बार और अर्ज किया है कि 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, खबरें नहीं हुई हैं खत्म। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, खबरें नहीं हुई हैं खत्म। तुझे देखा तो ये जाना सनम, सरसों का खेत होता तो और मजा आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। आइए भाभी आपको कुछ छोटी छोटी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। क्या आप जानती हैं एक औरत का दिल मर्द के मुकाबले ज्यादा धड़कता है? जी हाँ, सुबह सुबह कॉफी की जगह अगर आप कोई सेब खाते हैं तो आपकी नींद जल्दी खुलेगी और आपके पेट में एक ऐसा एसिड होता है जिससे एक लोहा पिघल सकता है। क्यों भाभी, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन है ना इंटरेस्टिंग। सेम हाल है टीवी इंडस्ट्री का भी। हमारे टीवी इंडस्ट्री में कुछ छोटी खबरें होती है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आइए ना उन सभी छोटी खबरों का दर्शन करवाता हूँ। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल ये है मोहब्बतें का हाल, जहां एक बार फिर खानी पड़ी आदि को रमन से डांट क्योंकि अधूरा जो छोड़ दिया उन्होंने रमन का काम। वहीं दूसरी तरफ रूही कर रही है अपना सामान पैक ताकि रह सके इशिता के पास, जिसे इशिता समझ बैठती है रूही के घर छोड़ने की बात। अब आपको लेकर चलते हैं रियलिटी शो यारों की बारात के सेट पर, जहां पहुंची कहानी 2 की स्टार विद्या बालन, जिनके साथ दिखे फिल्म मेकर सुजॉय घोष, जिन्होंने साजिद के साथ यहां पहुंच की बातें खूब। अब आपको दिखाते हैं सीरियल थपकी का हाल, जहां संकरी ने किया थपकी का बुरा हाल। दरअसल थपकी से बदला लेने के लिए संकरी ने कर लिया थपकी को किडनैप, जिसके लिए बिहान हो रहे हैं परेशान। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल स्वरागिनी के सेट पर, जहां बनाया जा रहा है लक्ष्य को मारने का प्लान। तभी तो निकल पड़े हैं साहिल और मानसी, लेकिन इनके प्लान की लग गई स्वरा को भनक, तभी तो कर दिया इन्होंने स्वरा को एक कमरे में बंद। बिना फैलाए रायता बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ आपकी सहायता। किस्मत में मेरे लड़कियां लिखी नहीं है। हाँ, आलम यह है कि अगर मैं किसी कस्टमर केयर वाले को भी फोन लगाऊ ना तो वहां भी लड़का ही फोन उठाता है। खैर कोई बात नहीं, जब मेरी जिंदगी में इतनी सारी भाभियां हैं मुझे प्यार करने के लिए तो लड़कियों को कौन पूछता है। क्यों भाभी, सही कहा ना। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना, फिर मुलाकात होगी भाभी भर भर की स्पेशल खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, एक बार और ट्राई करता हूँ। अबे फोन क्यों रख दिया था बताना भाई, क्या चाहिए? मैंने कहा था ना बाय। भाभी तेरा देवर दीवाना।